मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक कामरेड ताराचंद भवन मंडी में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कामरेड राकेश सिंघा ने की, जिसमें विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई। पार्टी राज्य सचिव डॉ. ओकार शाह द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि पार्टी ने इन चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने, CPI की ताकत बढ़ाने और प्रदेश में जनवादी और धर्मनिरपेक्ष सरकार गठन का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से पार्टी भाजपा को हराने और वैकल्पिक सरकार बनाने में सफल हुई है, जिसके लिए पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई दी है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच में हुए तीखे वोटों के ध्रुवीकरण के कारण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत बढ़ाने में सफलता हासिल नहीं हो पाई है। 2 दिन से हिमाचल प्रदेश CPM की राज कमेटी की बैठक यहाँ पर मंडी में हुई। जिस राज कमेटी की बैठक में मुख्य तौर पर जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है उसका आकलन किया है। पार्टी ने इस बात का स्वागत किया है कि हिमाचल प्रदेश में एक इस प्रकार की सरकार बनी है जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, और इस सरकार से हम आशा करते हैं कि ये BJP के पथ चिन्हों पर ना चले। ये जो पिछले कल डीजल और पेट्रोल में VAT की बढ़ोतरी की है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे महंगाई बढ़ेगी, जनता पर बोझ जाएगा। वैसे भी पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कृषि है, बागवानी है और जो अन्य कार्य चल रहे हैं, बहुत संकट के दौर से है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस जीत को, और जो जीत जनता की जीत है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, जनता की जीत है, उसको बरकरार रखने के लिए कोई जनता विरोधी कदम नहीं उठाने चाहिए। इस मीटिंग ने इस विषय पर भी चर्चा की है। बहुत चिंता का विषय है कि जो डालाघाट और बरमाणा के अंदर जहां ACC और अंबुजा सीमेंट प्लांट थे, जिन प्लांटों को अडानी ने टेक ओवर किया है, पूरा का पूरा महीना होने जा रहा है लेकिन विवाद का हल नहीं निकल रहा है। और इसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार से अपील हमारी पार्टी करती है कि इसमें हस्तक्षेप करें। जो गैर कानूनी तालाबंदी उसने की है, उसको तुरंत हटाया जाए, और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं जो अपना किस्त नहीं दे पा रहे हैं, उसका प्रबंध वो करें, उसमें छूट दी जाए और इस विवाद का हल निकाला जाए। और इसके साथ साथ पार्टी ने अपील की है ट्रक ऑपरेटर्स को ये, कि ये ट्रक ऑपरेटर का अकेला मसला नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के जन का प्रश्न है। क्योंकि अगर ये कारोबार अडानी ले लेगा ढुलाई का, तो बहुत बड़े पैमाने के जो 1 लाख के करीब करीब लोगों का जीवन यापन समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। ये भी हमने मीटिंग में इस बात का तय किया है, और इस बात पर भी चर्चा की है कि जो संस्थाएं खोली गई